ये आदिवासी हेयर ऑयल वाले जो जेन्युइनली सही तेल बेच रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना नाम खराब होने की वजह से काफी परेशान है। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है उनके साथ। अपनी आप बीती बताते हुए हाथी पिकी समुदाय के कुछ लोग काफी भावुक हो गए थे। अब हुआ कुछ यूं कि उनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो हर जगह पे चल रही, मार्केट में जैसी डिमांड आती है वैसे ही इंडिया में स्कैम शुरू हो जाते हैं। अब ऑनलाइन ऐसे कई सारे सेलर हैं जो कि नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं और वो भी सस्ते में। 10 में से 7 आदिवासी हेयर ऑयल फेक बेचे जा रहे हैं। अब ये बात मुझे तब पता चली जब कर्नाटक के हाकीपिकी समाज के कुछ लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, अपने डॉक्यूमेंट भी दिखाए और साथ ही साथ अपने आदिवासी नीलम्बरी हर्बल हेयर ऑयल की ये बोतल, ओरिजिनल वाली बोतल मुझे भेजी। गाइस वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो अगर आपको भी ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये स्कैम किसी और के साथ ना हो उसके लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करें। फेक लोगों को अपोज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हकदार है उसे अपना हक मिलना चाहिए। इसलिए प्लीज सपोर्ट दी ओरिजिनल हाकी पिकी समुदाय। चिया सीड से ज्यादा अच्छे हम भारतीयों के लिए सब्जा सीड्स हैं, और मैं उसका कारण बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चिया सीड्स की तासीर गर्म होती है, यानी कि उससे इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन पैदा होती है। और ये सीड्स इंडियन भी नहीं है, ये सीड्स मेक्सिको से लाए गए। भारत में रहते हैं तो भारत के वातावरण में जो चीजें पैदा होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी या बाहर की? सब्जा सीड्स जिन्हें तुलसी के सीड्स भी कहते हैं, इसके बारे में आयुर्वेद तक में लिखा हुआ है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसमें भी बाकी सारे वही गुण जो चिया सीड्स में होते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 है, इसमें भी प्रोटीन है, वेट लॉस में ये उतना ही कारगर है जितने की चिया सीड्स। तो फिर हम चिया सीड्स क्यों खाएं? बस ये बाहर के हैं इसलिए हमें वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए घर की मुर्गी तो दाल बराबर है।